हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्मा एंड मिमी। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ कोलकाता स्ट्रीट स्टाइल चिकन स्ट्यू रेसिपी, जिसे बंगाली चिकन स्ट्यू भी कहा जाता है। जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिया है, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन बोनलेस 500 ग्राम्स, जिसको मैंने नींबू और नमक यानी कि लेमन जूस 3 टेबलस्पून एंड नमक टेस्ट के अकॉर्डिंगली मैंने डाल के इसको 6 आवर्स तक मैरिनेट किया है। उसके बाद मैंने ले लिया है आलू, जिसको मैंने इस तरह से बड़ा बड़ा साइज़ में काट लिया है। मैंने लिया है गाजर यानी कि कैरेट्स, जिसको मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है। और ऐसे बिग बिग साइज़ में आप काटिए। आप इसमें पपीता, जो कच्चे पपीते होते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं, और बीन्स ऐड कर सकते हैं, मटर ऐड कर सकते हैं, जो जो वेजिटेबल्स आपको अच्छा लगे वो सारा ऐड कर सकते हैं। और ऑनियन को मैंने इस तरह से कट कर लिया है क्यूब शेप में। इसके साथ मैंने लिया है 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, ऐसे गोटा ही ब्लैक पेपर मैं यूज़ करने वाली हूँ। लिया है तेज़पत्ता 2 और गरम मसाला 1 इंच, सिनेमन स्टिक, 4-5 क्लोव्स और 2-3 इलायची मैंने ले ली है। और लिया है मैंने गार्लिक एंड जिंजर। जिंजर मैंने 1.5 इंच लेंथ में जिंजर लिया है। और लिया है मैंने 10 से 12 क्लोव्स गार्लिक का। तो ये है सारा चीज़ें। और ये है सॉल्ट जो लगेगा खाने में, थोड़ी सी चीनी लगेगा। और मैं इन सारे चीज़ों को पकाने वाली हूँ घी में, जो झरना घी है कोलकाता में अवेलेबल है। आई थिंक ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और कोलकाता के बाहर कहीं पे आप बंगाली स्टोर्स वगैरह हो तो वहाँ पे आपको झरना घी इजीली मिल जाएगा। तो अभी मैंने ले लिया है एक प्रेशर कुकर, जिसमें मैं ऐड करने वाली हूँ पानी। अराउंड 4 कप्स मैं पानी ऐड करने वाली हूँ प्रेशर कुकर में। और मैं पूरी जो रेसिपी मैं बना रही हूँ, ये पूरा ही इसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो सब मैं इंग्लिश, बंगाली एंड हिंदी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आपके लिए सुविधा होगी समझने में। प्रेशर कुकर में पानी लेने के बाद पानी को मैं के लिए छोड़ दूँगी कुछ देर तक। पानी गर्म होने के बाद ही हम बाकी का जो प्रोसेस है वो करेंगे। तो अभी मैंने प्रेशर कुकर में पानी डाल दिया है और इसको गर्म होने के लिए मैं छोड़ दूंगी। हल्का सा लीड लगा के मैं पानी को ढक के रख दूंगी गर्म होने के लिए। और पानी गर्म हो जाने के बाद ही हम उनके जो जो करना है वो करेंगे। जैसे अभी पानी आप देख रहे हो गर्म हो चुका है, तो अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ मेरी जो चिकन है, इसको अच्छे से इसके अंदर की जो पानी है, सॉल्ट और नींबू डाल के जब आप इसको मैरिनेट करते हो तो चिकन से पानी छूटता है, तो इसलिए पानी को अच्छे से निचोड़ के अब अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना। उसके बाद ही गर्म पानी में आप चिकन को ऐड करना। और इसके साथ मैं ऐड करने वाली हूँ काली मिर्च, गोटा ब्लैक पेपर मैंने डाल दिया है, और इसको मैं अभी ढक के 5 से 7 मिनट तक इस तरह से कवर करके इसको मैं पकाऊंगी मीडियम टू हाई फ्लेम में। तो देखिए चिकन मेरा इस तरह से बॉइल्ड हो गया है वाटर। तो अब मैं मिंस्ड की हुई गार्लिक एंड जिंजर मैं ऐड कर रही हूँ। इसको गार्लिक जिंजर को पेस्ट नहीं करना है, इस तरह से मिंस्ड करके ही आपको चिकन में ऐड करना है। गार्लिक जिंजर के बाद मैं उसमें ऑनियन डाल रही हूँ, जो मैंने क्यूब शेप में काट के रखा था। मैंने 3 ऑनियन लिया है। सारे डिटेल्स ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। 500 चिकन के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। अब इसको फिर से हम थोड़ी देर ढक के पकाएंगे
अराउंड 5 to 7 minutes इसको इस तरह से पकाना है, बॉयल करना है चिकन के साथ। ये देखिए इस तरह से बॉयल करना है। और बाद में अगर आपको लगे कि स्टू में पानी कम है या तो आपकी जो आप ग्रेवी जो चाहते हैं वो पतला चाहते हैं, तो इसलिए उसके लिए आप बाद में पानी ऐड भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पानी। अभी जैसे 5-7 मिनट तक मेरी चिकन पक चुकी है। अब इसमें मैं पोटैटो एंड कैरेट्स यानी कि आलू गाजर मैं जो काट के रखी थी उसको ऐड कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ी सी मैं पानी भी एक्स्ट्रा ऐड कर दूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि पानी कम है और हम स्टू थोड़ा सा पतला खाना ही पसंद करते हैं। और इस टाइम पे ही हम थोड़ा सा सॉल्ट और चीनी भी ऐड कर देंगे। मैं चीनी ऐड कर दिया है, अब सॉल्ट भी ऐड कर दूंगी इसके अंदर। सॉल्ट आप बीच बीच में चेक कर लीजिएगा, मतलब एंड में एक बार चेक कर लीजिएगा। सॉल्ट अगर कम ज़्यादा है तो वो आप अकॉर्डिंगली, टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा सॉल्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कम कम सॉल्ट रहेगा तो वो बाद में आप ऐड करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको प्रेशर कुकर में प्रेशर को लगा दिया है और इसको मैं 4 सीटी बजने तक कुक करने दूंगी। मैंने कढ़ाई में 2 टीस्पून घी ले लिया है। घी को गर्म होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। घी गर्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें गरम मसाला ऐड करने वाली हूँ और तेज़पत्ता। तो मैंने गरम मसाले को घी में डाल दिया है, अब उसको मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगी मेरे चिकन में। इसमें ज़रूरत पड़ने पे एक्स्ट्रा घी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने गैस बंद करके जो मसाला मैंने घी में डाला था वो मैंने अपने स्टू में ऐड किया था। अभी मैंने फिर से गैस ऑन कर ली है और इसमें मैं 1 टीस्पून और घी ऐड कर दूंगी। तो इससे जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा बनता है। और इसको ढक के अब 5 मिनट तक उबालना है मसाले के साथ और आपका चिकन स्टू रेडी हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से ढक दिया है, अभी प्रेशर कुक नहीं करना है, जस्ट ढक के सिंपली कुक करना है और आपकी चिकन स्टू बन जाएगा। फ्रेंड्स, मेरी स्टू रेडी है। इसको आप रोटी, चावल, ब्रेड या बन के साथ खा सकते हैं और ये गर्मा गर्म खाने में ही अच्छा लगता है। और इसको आप फ्रेश पकाइए और फ्रेश खाइए, स्टोर करके मत खाइए। स्टोर करके खाने से इसकी टेस्ट उतनी अच्छी नहीं लगती है। और इस कैसा लगा ये मेरा रेसिपी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी मेरे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।